हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए रोज की तरह एक नई रेसिपी लाई हूँ। ये रेसिपी ब्रेड से बनेगी, आप देखते जाइए। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ, आप किसी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये अंदर से बिल्कुल नरम बनी है और बाहर से क्रिस्पी भी है, जैसा कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मैं आपको सुना रही हूँ। देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है, मैं इसको तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों तो बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर रखे थे, इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये रहा मसाला, इसमें मैं अब छौंका लगाऊंगी। पहले मैंने गैस ऑन की, उसके बाद तेल डाला कढ़ाई में। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें धनिया और जीरा डाल रही हूँ। अब इसके आगे देखते जाइए, मैं इसमें दूसरे मसाले भी डाल रही हूँ। दोस्तों या मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज लाते हैं। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये मुफ्त में हो जाता है। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो आने पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मसाला भूनकर तैयार हो चुका है, अब इसमें मैश किए हुए आलू डालूंगी मैं। अब इसमें मैं मैगी का मसाला भी डाल रही हूँ। अब मैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा आमचूर भी डाल रही हूँ, इससे ये थोड़ी सी इसमें खटाई आएगी। पहले गैस ऑफ करते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। इधर दोबारा कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ मैं। तेल गर्म होता रहेगा और मैं इसकी आगे की प्रोसेस करूँगी। अब ये मैं बेसन का घोल बना रही हूँ, आपके पास जितनी एक रेसिपी है उसके मुताबिक डालिए। मैंने भी अपने जितना मैंने ब्रेड तैयार करने हैं उतने डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा नमक डाला मैंने। देखिए मैंने व्हाइट ब्रेड ले रखे हैं। ये हमारे पास स्टफिंग भी तैयार है जो कि ठंडी हो रही है। अब घोल बनाना स्टार्ट करेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, नहीं तो इसमें ये इसके गोले बन जाएंगे। घोल बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। इसको इतना पतला रखना है। यहाँ पर मैंने चार ब्रेड ले लिए हैं, इसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग आपने भर भर कर डालनी है, इसमें खूब पूरे कोने कोने तक स्टफिंग होनी चाहिए। स्टफिंग हमें थोड़ी गीली रखनी है ताकि ब्रेड में चिपके। अब मैं इसके ऊपर दूसरा ब्रेड लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसको दबा रही हूँ, हल्का हल्के हाथों से दबाना है। अब इसको बीच से कट करना है।
तरह मैंने ब्रेड के पीस सारे काट कर तैयार कर दिए हैं। अब घोल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें घोल को इस तरह कोट करना है ब्रेड को। तेल भी गर्म हो चुका है। अब ब्रेड के पीस को उठाएंगे और सीधा कढ़ाई में डाल देंगे और आराम से, नहीं तो ये उछलेगा और तेल मुंह में भी जा सकता है। इसमें एक बार दो ही पीस डालने हैं, ज़्यादा डालने से चिपक भी सकते हैं। और इनको धीरे धीरे पलटते रहिए, पलट पलट के पकाइए, नहीं तो कच्चे भी रह सकते हैं ये। एक पीस तैयार हो चुका है, देखिए पक चुका है, तलने के बाद ऐसा दिख रहा है ये। अब देखिए दोस्तों, ब्रेड पकौड़ा रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों मैंने इस रेसिपी को केचप के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको पसंद ना भी आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो चली इस रेसिपी को खाने, अब आप भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।